नमस्कार, काजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी पांच खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा की सक्रिय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 6 अगस्त को जैसे ही भारत के राष्ट्रपति कार्यालय ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाने की घोषणा की, राष्ट्रीय राजनीति और खासकर पूर्वांचल की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। माना जा रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला किया है। मनोज सिन्हा को टीम मोदी शाह का एक भरोसेमंद चेहरा समझा जाता है। जीसी मुर्मू एक प्रशासनिक अधिकारी थे, जबकि मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अखाड़े के मंझे हुए पहलवान हैं। सूत्रों के अनुसार मनोज सिन्हा का उपराज्यपाल के पद के लिए शपथ ग्रहण कल होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने पर गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल रहा। वो इस खुशी को लेकर इतराते रहे। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस अवसर पर जितेंद्र नाथ पांडे, राम नरेश कुशवाहा, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह, अवधेश राजभर, अखिलेश सिंह, अच्छे लाल गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, अशोक पांडे, हरेंद्र यादव, विष्णु प्रताप सिंह, सुरेश बिंद, अमरेश गुप्ता, आईटी संयोजक कार्तिक गुप्ता, शैलेश राम, राज बिहारी राय, गोपाल राय, धर्मेंद्र कुशवाहा, मन्नू राजभर, मनोज यादव, पवन जय पांडे आदि नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना पुलिस ने ताजपुर कुर्रा गांव में कर्मनाशा नदी पुल पर बिहार बॉर्डर पर गुरुवार की सुबह एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। उप निरीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह कर्मनाशा पुल बिहार सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति बिहार की तरफ से आते दिखाई दिए। जैसे ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी, वो बाइक घुमाकर भागना चाहे। इस पर पुलिस उनकी तरफ दौड़ पड़ी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति कूद कर फरार हो गया, जबकि गहमर थाना मनिया निवासी चालक शैलेश राम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस के साथ ही बाइक बरामद की गई है, जिसके बाद संबंधित धाराओं में उसका चालान करके जेल भेज दिया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होने वाली है। इसको सुचितापूर्ण, नकल विहीन, सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से गुरुवार को राइफल क्लब में गाजीपुर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दिन में 2 से शाम 5 बजे तक होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है। इसमें 15 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जनपद में 6,700 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बता दें कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र में भितरी गांगी में गुरुवार की सुबह डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालूम हो कि सैदपुर क्षेत्र के लखीमपुर मुड़ियार गांव निवासी वकील का पुत्र फिरोज, उम्र 18, गुरुवार की सुबह अपने भाई के साथ भितरी स्थित गांगी नदी में नहाने गया था। गहरे पानी में जाने पर डूबने लगे। जब तक आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचते, तब तक वो डूब चुका था। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।